सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की फ्रेश वीडियो में अपने पोको F1 में इंस्टॉल किया हुआ है MIUI 11 का मी रूम बीटा। तो चलिए देखते हैं हमें इसमें क्या नए फीचर्स मिल जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मेरे पास है पोको F1 और मैं, जैसा आप देख सकते हैं, इसमें मैं लाइव वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अभी अपने पोको F1 में MI रूम रोम इंस्टॉल किया हुआ है, जिसका भी ये लेटेस्ट वर्जन है और ये एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, जैसा आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या नए फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले चलते हैं लॉक स्क्रीन में। लॉक स्क्रीन में आपको वही सारे फीचर्स मिल जाते हैं। रेस टू वेक, जैसा मैंने देखा, ये रेस टू वेक अच्छे से काम कर रहा है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल टैप टू आप वेक और टर्न ऑफ कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये भी अच्छे से काम कर रहा है और लॉक भी हो जाता है हमारा डिवाइस। ऑलवेज शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है और आपको वेक, लॉक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन मिल जाता है, स्मार्ट कवर मोड, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही मिल जाती थी, बट इसमें आप देख सकते हैं अब लॉक स्क्रीन फॉर्मेट आपको यहीं पर ही मिल जाता है। तो आप इनमें से कोई भी लॉक स्क्रीन फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। वॉलपेपर क्रॉजल मिल जाता है आपको, लॉन्च कैमरा मिल जाता है, डबल प्रेस द वॉल्यूम बटन को करके, चार्जिंग एनिमेशन को आप ऑफ कर सकते हैं, पॉकेट मोड मिल जाता है आपको इसमें। डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस लेवल, ये मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन कॉल मिल जाता है, रीडिंग मोड मिल जाता है, कलर स्कीम का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग वार्म कूल यूज़ कर सकते हैं। डार्क मोड का आपको इसमें फाइनली ऑप्शन मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको ग्लोबल डार्क मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो जैसे मैं डार्क मोड इनेबल करता हूँ, इंडिविजुअल ऐप्स का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जिन ऐप्स को डार्क मोड में यूज़ करना चाहते हैं उनको कर सकते हैं। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं अभी। इसके साथ साथ आपको यूज़ न्यू फॉन्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, एक नए फॉन्ट जो है MIUI के वो मिल जाते हैं। और इसमें आपको नॉच एंड स्टेटस बार का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने नॉच और स्टेटस बार को पूरी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको हाइड करना चाहते हैं नॉच को, तो आप इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं, बट मुझे पर्सनली पसंद है तो कोई इशू नहीं है ऐसा इसमें। और आपको इसमें नोटिफिकेशन आइकन स्टाइल में डुअल स्टेटस बार मिल जाते हैं, जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फ़ोन वाईफाई बैटरी के साथ साथ कनेक्शन स्पीड भी दिखा रहा है, तो ये मैंने इनेबल किया हुआ है। और आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पे शो आइकन्स फॉर इनकमिंग नोटिफिकेशन, कलर्ड आई कर सकते हैं, कलर्ड नोटिफिकेशंस कर सकते हैं, कनेक्शन स्पीड जैसे मैंने दिखाया आपको, बैटरी इंडिकेटर आपको मिल जाता है इसमें, ग्राफिकर मिल जाता है। होम स्क्रीन में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, सिलेक्ट साइड मेन्यू, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है ऐप वॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं या गूगल फीड को कर सकते हैं। मैंने फिलहाल गूगल फीड्स को ऑप्शन किया हुआ है। और यहाँ से आप अनलॉक एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं, दिखा देता हूँ, एनिमेशन आ रही है अभी होम स्क्रीन में, पता चलेगा वो चीज़। जैसे मैं फिंगरप्रिंट से अनलॉक करता हूँ तो ये आपने देखा एनिमेशन आ रहा है, तो ये आप चाहें तो बंद कर सकते हैं, मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैंने इसका बंद नहीं किया हुआ है। और चलते हैं वॉलपेपर में, तो आपको वॉलपेपर में कुछ लाइव वॉलपेपर मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये फ़िलहाल मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको और भी तरह के मिल जाते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारे आपको वैसे भी नॉर्मल वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं आपको। और पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं फ़ोन फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो रहा है, फेस अनलॉक भी काम कर रहा है इसमें। मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ फेस, तो चलिए फेस अनलॉक करके देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं ये काफ़ी इंस्टेंटली जो है फेस अनलॉक कर लेता है, एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये सब देख सकते हैं फेस अनलॉक भी अच्छे से काम कर रहे हैं। एडिशनल सेटिंग्स में आपको मिल जाता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले, जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी फुल स्क्रीन जेस्चर ऑन किए हुए हैं, और इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ये फुल स्क्रीन इंडिकेटर करने ऑन ऑफ करने का, तो मैंने अभी ऑफ कर दिया है, बट मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है देखने में इसलिए मैंने इसका ऑन किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, इसको आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके इनेबल करना होगा। आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ न्यू जेस्चर्स, आप जैसे इसको इनेबल करेंगे उसके बाद ये आपके
ये वाले जेस्चर्स इनेबल हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एनिमेशंस भी चेंज हो जाती हैं इसके, एंड्रॉइड 10 वाली एनिमेशन आ गई, और ये जो आप देख सकते हैं रिसेंट व्यू वाला भी एनिमेशन चेंज हो गया है। थोड़ा सा भी जिटर है क्योंकि ये शायद अभी बीटा में है इसकी वजह से, बट आगे अपडेट्स में ये ठीक हो जाएगा। बाकी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है, बटन शॉर्टकट वगैरह, क्विक बॉल यूज़ अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं, नोटिफिकेशन लाइट, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही मिल जाती थी। तो ये जेस्चर इसमें नए आए हैं। स्पेशल फीचर्स में आपको गेम टर्बो मिल जाता है, अभी मैंने इसमें कोई गेम इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। वीडियो टूल बॉक्स मिल जाता है, क्विक रिप्लाइज का ऑप्शन मिल जाता है, और सेकंड स्पेस और लाइट मोड का मिल जाता है ऑप्शन एक। ये शायद नया है, ये मैंने देखा नहीं था पहले। तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं इसमें। स्क्रीन टाइम आपको मिल जाता है डिजिटल वेलबींग जैसा, तो इसमें आप देख सकते हैं आपने कौन सा ऐप कितना यूज़ किया है, ये सारी चीज़ आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है, और आप उसका परफॉर्मेंस का वीडियो देखना होगा, गेमिंग देखना होगा तो मुझे बताना, और इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।